नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड 1 बाय 2 ऑफ 24 एंड 1 बाय 2 ऑफ 46. 1 बाय 2 मीन्स हाफ. सो फर्स्ट पार्ट में 1 बाय 2 ऑफ की जगह पे हम कौन सा साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई 24. हम क्या करते हैं, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 अपॉन 2, फिर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है. अगर जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे तो भी स्मॉलर टर्म है टू डिजिट्स की, बड़ी टर्म भी हो सकती है, तो हम डिवाइड कैंसिल कर सकते हैं यहाँ भी. कैसे? न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर ये टर्म कैंसिल हो सकती है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, और डायगनल से डायगनली कैंसिल हो सकता है. क्लियर? न्यूमिर ऊपर से न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर की टर्म, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की टर्म, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते. कैसे? 2 और 24 डायगनली है, कैंसिल हो सकता है. 2 12 आर 24, ठीक है. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आंसर आएगा 12. नाउ 1 बाय 2 ऑफ 46, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, तो आया 23 इंटू 1 23. क्लियर? कोई भी टर्म 2 से डिवाइड कब होगी? जब उसके वंस प्लेस पे मींस लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा. यहाँ पे 6 था, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा. 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 23. ठीक है. नाउ 2 बाय 3 ऑफ 18, 2 बाय 3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, ठीक है. अब हमें देखना है कि 3 से डिवाइड, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 आर 18, डायगनली कट कर सकते हैं. 2 इंटू 6 12, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है. नाउ 2 बाय 3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 27, 3 और 27, 3 9s आर 27, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, दोनों न्यूमिरेटर की टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी 18. पहले यही फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखते हमने क्या किया. फर्स्ट पार्ट में था 1 बाय 2 ऑफ 24, जहां पे भी ऑफ आ गया मींस मल्टीप्लाई का साइन आएगा, डायगनली हम कैंसिल कर सकते हैं. वंस प्लेस पे है 4, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 वंस आर 2, 2 टूज आर 4, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12. जो आगे वाला डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है. यहाँ पे तो 1 है तो वही नंबर आएगा. 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 23 मल्टीप्लाई बाय 1 23. 2 बाय 3 ऑफ 18, 3 6 आर 18, दोनों टर्म न्यूमिरेटर्स में है, न्यूमिरेटर में है, तो 2 इंटू 6 12. 2 बाय 3 ऑफ 27, 3 9s आर 27, 2 इंटू 9 18. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 3 बाय 4 ऑफ 16, 4 4s आर 16, न्यूमिरेटर में है दोनों टर्म, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. 3 बाय 4 ऑफ 36, 4 वंस आर 4, 4 नाइन्स आर 36, 3 इंटू 9 27, तो 12 27. क्लियर है? नाउ 4 बाय 5 ऑफ 20, 5 वंस आर 5, 5 फोर्स आर 20, 4 इंटू 4 16, 4 बाय 5 ऑफ 35, 5 वंस आर 5, 5 सेवंस आर 35, 4 इंटू 7 28. क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर मिडल में है, न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर नीचे कैंसिल हो सकता है, और न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है दोनों साइड में, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर और डायगनल. न्यूमिरेटर से न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वो कैंसिल नहीं होगा. क्लियर? न्यूमिरेटर और
और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं और डायगनली कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर से ऊपर की टर्म और नीचे से नीचे की टर्म कैंसिल नहीं होगी। क्लियर है? जब भी ऑफ का साइन आए मल्टीप्लाई 2 12s are 24, 23 into 2 is 46, 3 6s are 18, 6 into 2 12, 3 9s are 27, 9 into 2 18, 3 by 4 of 16, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 into 3 12, 4 9s are 36, 9 3s are 27, 5 4s are 20, 4 4s are 16, 5 7s are 35, 7 4s are 28. क्लियर? नोट कीजिए।